हमीरपुर जिला में आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में आए दिन लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब गत दिवस को हमीरपुर का एक और युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। बीते सप्ताह हमीरपुर के एक युवक ने 17,000 रुपए का भुगतान कर मोबाइल फोन मंगवाया था, लेकिन घर पर जब डब्बा खोला तो उसमें प्याज निकले थे। तीसरे मामले में बड़सर में 2,50,000 रुपए के सीमेंट बॉक्स ऑनलाइन मंगवाने में भी ठगी हुई थी। वहीं ताजा मामले में हमीरपुर वार्ड नंबर 6 निवासी रोहित ठाकुर ने ऑनलाइन शॉपिंग कर 800 रुपए में 3 फुल बाजू कमीजें मंगवाई थी। रोहित ने यह ऑर्डर 6 जून को दिया था, लेकिन गत दिवस जब कुरियर कंपनी ने उसे पार्सल दिया तो उसमें 2 कमीजें निकली और वह भी फटी और पुरानी थी। दोनों कमीजें काफ़ी पुरानी और कॉलर फटे हुए थे। एक कमीज फुल बाजू और दूसरी आधी बाजू थी, जबकि ऑर्डर और पेमेंट 3 कमीजों की दी हुई थी। रोहित कुमार ने कुरियर कंपनी के डिलीवरी करने वाले कर्मी से बात की तो उसने बताया कि उनका काम केवल माल पहुंचाना है। जहां से आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, माल की शिकायत के बारे में उनसे संपर्क करें। रोहित ठाकुर ने कहा कि वह इस बारे में पुलिस और कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत करेंगे। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैंने 6 तारीख को ये 3 पीस ऑर्डर किए थे शर्ट के, तो ये ऑर्डर ही बिल्कुल गलत है। मैंने बिल्कुल गलत ऑर्डर गलत है, और इसी जगह मैंने 3 शर्टें मंगवाई थी, उसके सारा रिप्लेस कर दिया। उन्होंने 2 शर्टें भेजी, वो भी बिल्कुल बेकार है, जो किसी काम की नहीं है। उन्होंने गलत ऑर्डर भेजा हुआ है सारा ये। सर मैं ये चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, जो चीज़ ऑर्डर की है वो ही आनी चाहिए, और उसका रिप्लेस करने का उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं रखा हुआ है। रेडरिक्स से किया था सर, मैंने रेडरिक्स से किया था। नहीं सर, उन्होंने कस्टमर आईडी दी, सिंपल एड्रेस मांगा था बस, वो मैंने भरा और उनकी तरफ से एक मैसेज आया और उससे ऑर्डर बोल गया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑर्डर किसी का गलत नहीं आना चाहिए, जो ऑर्डर किया वो ही चीज़ आनी चाहिए। इससे अच्छा ऑनलाइन का क्या फ़ायदा है फिर, तो इससे अच्छा तो ये लोकल में ले लें किसी से। वहीं इस मामले को लेकर हमीरपुर के SP कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने बताया कि पुलिस ने ऑनलाइन ठगी मामले में FIR दर्ज कर ली है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से लोगों को वेबसाइट पर सामान मंगवाने के लिए पूरी तरह से पड़ताल करके ही पैसों को खर्च करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सचेत रहें और अनजान वेबसाइटों के माध्यम से कभी भी बैंक डिटेल या पैन डिटेल साझा न करें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। हाँ जी, देखिए आपको जैसे पता है, कभी कभार जो हमारे जिला के यहाँ लोग होते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तो कभी कभार ऐसे होता है कि अनवेरीफाइड वेबसाइट्स पे जाते हैं। अनवेरीफाइड वेबसाइट बोले तो अभी तो आपको तो पता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसे जो वेबसाइट्स रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है, उन पे अगर हम ऑर्डर करते हैं तो उनका कोई गारंटी होता है कि सामान हमारे घर पे ठीक ढंग का मिल जाएगा, ठीक क्वालिटी का मिलेगा और जो चीज़ आपने ऑर्डर किया वो आएगा। परंतु कभी कभार कैसे होता है कि कोई आपसे संपर्क करता है, बोलता है कि आप इस वेबसाइट पे ऑर्डर करें या इस मोबाइल नंबर पे ऑर्डर करें या ऐसे कोई और माध्यम से ऑर्डर करें और पैसा आपको गूगल पे से ट्रांजैक्शन करें या और कोई माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र करें, तो ऐसे जब आते हैं तो ये जनरली अनवेरीफाइड होते हैं। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि जो अनवेरीफाइड वेबसाइट्स हैं, अनवेरीफाइड कॉन्टैक्ट्स हैं, अनवेरीफाइड लिंक्स हैं, इन पे आप कम्युनिकेट नहीं करें और इन पे आपका पर्सनल डिटेल्स जो है, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब शेयर नहीं करें। अगर शेयर करते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली आपके अकाउंट नंबर को बार बार चेक करना पड़ेगा या कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप OTP भी शेयर ना करें। अगर आपने कोई अनवेरीफाइड वेबसाइट से कोई पदार्थ ऑर्डर किया है, कोई आइटम ऑर्डर किया है और आपको कुछ और आइटम मिलता है या आइटम डिलीवरी नहीं होता है, तो ये सूचना हमें पुलिस को दें, तो इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि इससे पहले करीब 15 दिन पहले एक युवक को मोबाइल फ़ोन के बदले प्याज ही ऑनलाइन भिजवा दिया गया था, जिसमें करीब 17,000 रुपये की जब्त लगी थी। तो दूसरे मामले में बड़सर के टिक्कर ब्राह्मणा में करीब 2,50,000 रुपये की ठगी हुई थी, जिसमें अंबुजा सीमेंट के ब्लॉक्स में ऑनलाइन ठगी की गई थी। अब पुलिस ने इन सभी मामलों पर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, अभी जो पिछले 2 दिन के अंदर हुआ था, परसर में एक ऐसा मामला हमारे ध्यान में आया था जिसमें तकरीबन
एक 2.5 लाख के 2.5 लाख रुपीज़ किसी व्यक्ति ने कंप्लेनेंट ने ट्रांसफ़र किया था एक दिए गए बैंक अकाउंट पे, और उनको प्रॉमिस किया गया था कि वो सामान या जो भी पदार्थ आइटम उन्होंने ऑर्डर किया है वो उनके घर पे डिलीवर होगा, परंतु वो आइटम डिलीवर नहीं हुआ और इसके कारण वो इट इज़ अ केस ऑफ चीटिंग। तो ये जब हमारे ध्यान में आया हमने FIR रजिस्टर किया है, परंतु इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आदमी को ट्रैक डाउन या ट्रेस डाउन करने के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो भी अक्यूज हैं इस केस में, जो भी ये फ्रॉडस्टर्स हैं, इनको जल्द से जल्द हम पकड़ें।